नमस्ते, बीएड सेकंड ईयर, अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, पेपर अपना थर्ड है। इसके अंतर्गत जो आज का अपना जो टॉपिक है विद्यालय परिवेक्षण का क्षेत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। विद्यालय परिवेक्षण का क्षेत्र, विद्यालय क्षेत्र के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत जो विद्यालय पर्यवेक्षण के जो क्षेत्र मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, कितने? दो भाग, है ना। इसके अंतर्गत जो पहला जो बताया गया है इसमें पर्यवेक्षण की निंदात्मक भूमिका, फिर सेकंड जो बताया गया है इसमें परिवेक्षण की मार्ग दर्शन संबंधी भूमिका, ठीक। इसके जो दो भाग बताए गए, पहला जो बताया गया है परिवेक्षण की निंदात्मक भूमिका और सेकंड जो बताया गया है परिवेक्षण की मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, दो भाग है। इसके अंतर्गत जो बताए गए हैं परिवेक्षण की जो निंदात्मक भूमिका, इसके अंतर्गत इसमें जो पहला जो बताया गया है जैसा कि परिवेक्षण को की जो निर्णय भूमिका के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन बातें हैं। इसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से तीन बातें हैं, पहला है कक्षा शिक्षण का निरीक्षण, कक्षा शिक्षण का निरीक्षण अर्थात अवलोकन, क्या बताया गया है? कक्षा शिक्षण का निरीक्षण अथवा अवलोकन। फिर सेकंड जो बताया गया है शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का परिवेक्षण, शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का परिवेक्षण। इसी के साथ में सेकंड जो बताया गया है इसमें सेकंड जो बताया गया शिक्षक को द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का परिवेक्षण। फिर पर्यवेक्षण की जो निर्णात्मक जो भूमिका है उसमें जो तीसरा जो पॉइंट बताया गया है प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के प्रधान कार्य का परिवेक्षण, प्रधान कार्य का परिवेक्षण, प्रधान अध्यापक द्वारा
के प्रमुख कार्य का पर्यवेक्षण। ठीक है, फिर जो कक्षा शिक्षण का जो निरीक्षण है, इसमें जो कक्षा शिक्षण का निरीक्षण या अवलोकन है उसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसा कि कक्षा समस्या का पता लगाना, शिक्षकों द्वारा जो विकसित पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु का जो विकास किस प्रकार किया जा रहा है और इसका पता लगाना, और शिक्षक द्वारा जो प्रदत्त जो कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है इसका पता लगाना, एवं जो पता लगाकर उसके जो शिक्षण में जो सुधार लाने हैं तो उसे सुझाव एवं सहायता प्रदान करना। तो एक निकले एम एवंस के अनुसार जो बताया गया है, जो प्रधानाचार्य और शिक्षक के मध्य एक अच्छा जो सद्भाव बढ़ाने की दृष्टि से, शिक्षक की जो प्रगति के जो मूल्यांकन की दृष्टि से, समग्र शिक्षण की जो प्रक्रिया पर दृष्टिपात करने की दृष्टि से, और जो शिक्षकों के जो शिक्षण के अच्छे और कमजोर पक्षों को जानने की दृष्टि से पर्यवेक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें जो बहुत सारे पूर्ण जो उद्देश्य होते हैं उसमें कक्षा का जो समस्याओं का ज्ञान होता है, शिक्षकों की कक्षा शिक्षण संबंधी जो कठिनाइयाँ होती है उसका ज्ञान होता है, और शिक्षकों की जो सहायता करने हैं उन्हें सुझाव देने का अवसर प्राप्त होता है। फिर जो शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण, इसमें जो बताया गया है, जैसा कि यह कार्य के पर्यवेक्षण की निर्धारित भूमिका में आता है, और इसके अंतर्गत जो पाठ का सारांश देना, गृह कार्य देना, प्रायोगिक कार्य करवाना, व्याख्या देना आदि का जो समावेश होता है, इनका कार्यों में जो रिपोर्ट के आधार पर शिक्षक की जो योग्यता, कार्य की निष्ठा और विषय की जो तैयारी होती है, तो विद्यार्थियों को दिए गए कार्य की जांच आदि का पता लग सकता है। और समय अभाव एवं व्यवस्था के कारण प्रधानाध्यापक प्रत्येक कक्षा में नहीं जा सकता है, और परंतु इन्हीं कार्यों की रिपोर्ट की सहायता से वह शिक्षक एक विद्यार्थी के कार्य का मूल्यांकन कर सकता है। फिर अपना जो इसी साल में खड़ा आता है प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण, इसमें जो बताया गया है, जैसा कि जो प्रधाना द्वारा जो शिक्षकों के प्रदत्त कार्य का पर्यवेक्षण, इसमें जो शिक्षक का कार्य बालक का जो केवल मानसिक विकास करने तक ही सीमित नहीं है, वरन उसकी जो शारीरिक, सामाजिक और भावात्मक संवेगात्मक आदि के विकास को भी ध्यान में रखना होता है, और विकास के इन विविध क्षेत्रों में शिक्षक अनेक पाठ्य सगामी व पाठ्य प्रवृत्तियों का संचालन करता है। तो ये कार्यों का जो समय समय पर पर्यवेक्षण तथा आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन प्रत्येक प्रधानाध्यापक के लिए परम आवश्यक है। तो ये विद्यालय पर्यवेक्षण के जो क्षेत्र है उसमें जो पर्यवेक्षण की जो निरंतर भूमिका और पर्यवेक्षण की जो मार्गदर्शन संबंधी भूमिका, उसमें पहला जो उसमें कक्षा शिक्षण का निरीक्षण अनुभव, फिर शिक्षकों द्वारा कक्षा में दिए गए कार्य का पर्यवेक्षण, फिर प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के प्रदत्त कार्य पर्यवेक्षण बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत जो पर्यवेक्षक की जो मार्गदर्शन जो संबंधी जो भूमिका है, सेकंड है ना, सेकंड जो बताया गया है, इसके अंतर्गत जो बताया गया है, जैसे कि जो प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों की जो शैक्षिक योग्यता, उनकी विशेषता और उनकी जो त्रुटियां होती है, जो सीमाओं को जान लेने के पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि वह स्तर से नीचे कार्यों को ऊपर उठाने के लिए तथा औसत स्तर के कार्यों को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियमित रूप से उनका मार्गदर्शन करें। तो इसी के साथ में जो शिक्षकों की व्यावसायिक समस्या है पर्यवेक्षण, इसमें जो पहला बताया गया है
शिक्षकों की व्यवसायिक व्यवसायिक समस्याएं समस्या एवं परिवेक्षण फिर इसी साथ में सेकंड जो बताया गया है उसमें शिक्षकों के गुण दोष तथा परिवेक्षण शिक्षकों के गुण दोष तथा परिवेक्षण फिर इसी में जो थर्ड बताया गया है शिक्षकों की शिक्षक को दूर करते हुए उनकी जो क्षमताओं का विकास से संबंधित करना है ना। तो पर्यवेक्षक की जो मार्गदर्शन दर्शन संबंधी जो भूमिका है उसमें जो शिक्षकों की जो व्यवसायिक समस्या है पर्यवेक्षण तो इसके अंतर्गत जो प्रधान केवल पर्यवेक्षण की जो कला में ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए क्योंकि शिक्षकों को उनके व्यवसायिक विकास योग्य देने के लिए उसे योग्य सलाहकार भी होना चाहिए। फिर इसी के अंतर्गत शिक्षकों के गुण दोष तथा पर्यवेक्षण के अंतर्गत जो बताया गया है उसमें जो पर्यवेक्षक दोनों प्रकार के शिक्षकों की जो सहायता करता है और वे शिक्षक जो विषय में अत्यंत कमजोर होते हैं और इनकी जो कमियों को दूर करता है तथा जो योग्य शिक्षकों को निरंतर अपनी कार्य कुशलता एवं योग्यता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर सेकंड थर्ड आता है इस प्रश्न अंतर्गत शिक्षकों की जो शिक्षिता त्रुटियों को दूर करते हुए उनकी जो क्षमताओं का जो विकास से संबंधित करना उसमें जो बताया गया है जो पर्यवेक्षण के लिए जो आवश्यक वह शिक्षक की जो त्रुटियां जो निदान के बाद उन त्रुटियों को परिमार्जन करें और इसी प्रकार शिक्षकों की जो क्षमता का भी उनके पूर्ण व्यवसायिक शैक्षिक एवं शिक्षित विकास के लिए सहयोग मिलना चाहिए जिससे विद्यालय विकास में उनकी प्रतिभागी हो सके और पर्यवेक्षक और शिक्षक मिलकर आयोजन कर सके, है ना। तो ये इसके अंतर्गत जो बताया गया है ना, तो ये विद्यालय पर्यवेक्षण के जो क्षेत्र है उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया है, ठीक है। इस बार इसको और अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतने का भी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।